हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात के प्राणायाम, विश्वास के प्राणायाम। सुजीत कुमार, मैं परमेश्वर का दास आप सभी का स्वागत करता अपने आपके चैनल जीवित परमेश्वर में। वो महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, यदा टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, हताश हो, निराश हो, बेचैन हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, टूट चुके हो, आशीष नहीं मिल रही है, बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, डॉक्टर ने आपको जॉब दे दिया हो, मैं बोल रहा हूँ आप यीशु मसीह के पास आए हो, मेरे परमेश्वर के पास आए हो। मेरा परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आप रिहा हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा यहोवा पिता हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, यदि आप टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, गरीब हो, लाचार हो, कमाने नहीं हो, 100-200 रुपए पर, 1000 रुपए पर आप हाथ फैला रहे हो, उधार ले रहे हो, आपको किसी से सहायता नहीं लेना पड़ेगा। आप यीशु मसीह के पास पवित्रता के साथ, खराई के साथ आप यीशु मसीह के पास आओ, मेरा परमेश्वर आपको रिहाई देगा, आजाद हो जाओगे। सचमुच जीवित परमेश्वर, सचमुच आत्मा है, सचमुच मेरा परमेश्वर गुप्त है और आपके आंसुओं को पोषण वाला परमेश्वर है। जो आप आंसू बहा रहे हो, यीशु ने कहा मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पियों में रखता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को कुप्पियों में रखता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, जब गरीब हो, लाचार हो, परेशान हो, यीशु मसीह के नाम में बोलो, आपकी गरीबी, परेशानी, तंगी यीशु मसीह के नाम में चली जाएगी, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, आप रिहा हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, रिहा हो जाओगे, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियजनों, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, अधर्म हुआ है, व्यभिचार हुआ है, आपको छिपाना नहीं अपने अपराधों को। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका काम सफल कभी सफल लेता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को आज बोल दो और दोबारा पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, पवित्रता के साथ, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ आप यीशु मसीह के पीछे चलो। अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को इनकार करो, अपने आप को इनकार कर दो और यीशु मसीह के पास चलो। मेरा परमेश्वर यहोवा जुलावर, जो यरदन नदी को चट्टान बना के खड़ा कर देना, परमेश्वर आपको रिहाई देगा। आपकी चाहे कितनी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, आपके आंसुओं से, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपके आंसुओं को मेरा परमेश्वर आज की रात पहुंचेगा और यीशु पिता को गले से लगाएगा और बोलेगा बेटा तू क्यों रोता है, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों परेशान है, पर मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लव करता है। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया सिर्फ हम सभी के खातिर, हम मानव जात के खातिर। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों दास हो, क्यों नाराज हो, मेरा परमेश्वर बैठा है ना, वो चिंता करता है, वो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारी चिंता करता है। मेरे प्रियजनों, आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोलना है, आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, प्रार्थना में धीरज धरना है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, प्रभु आपको देगा। आप इस प्रार्थना को सुनो और शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जूतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है, मेरे परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे पिछड़ गए होंगे परमेश्वर, वे बहुत दूर चले गए होंगे, वे अंधकार में चले गए होंगे, वे नरक की आग में चले गए होंगे, जो बिना उद्धार के, बिना सुसमाचार ही के वे मर गए होंगे। मेरे पिता यीशु पापा, जो आपने हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा है, आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा है, तू मेरी पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, ऐ मेरी पुत्र, ऐ मेरी पुत्री हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। ऐ मेरे बच्चों, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों रोते हो, क्यों भुलकते हो, मेरे परमेश्वर आप महान हैं, आप जीवित हैं, जो आप हमसे प्यार करते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं, जो पापों को क्षमा
करते हो, अधर्म को ढापते हो। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, पूरे विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, जो पाप में है, जो बुराई में है, जो व्यभिचार में जकड़े हैं, व्यभिचार की गंदी आत्माएं हैं, इनके अंदर से, इनके जीवन से, इनके विवेक से, इनकी आंखों से, इनके मुंह से व्यभिचार की आत्माएं, पाप की आत्माएं बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाए मेरे परमेश्वर। हर एक व्यभिचार की गंदी आत्माएं, पाप की गंदी आत्माएं बाहर आ जाओ, चलो निकलो, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो हम सभी से पाप हुआ है, गुनाह हुआ है, गलती हुआ है, यीशु के नाम में पिता हम सभी के अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरे पिता, से मानव जाते हैं, मनुष्य निर्बल है, कमजोर है, वो टूट सकता है, बिखर सकता है, पापों में गिर सकता है। यीशु राजा, आप सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही क्षमा के योग्य हैं, आप ही के पास क्षमा का अधिकार है। हे पिता परमेश्वर, हे राजा के राजा, हे दाऊद के संतान, हम सभी के अपराधों को क्षमा करें। मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुलख रहे हैं, टूट चुके हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, यीशु के नाम में इनका कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियां, रसौलियां, पथरियां, देखो बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस नेम, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, आउट हो जाए, गिल्टियां बाहर, रसौलियां बाहर, ट्यूमर बाहर, कैंसर बाहर। पवित्र आत्मा छुएं और ब्लेस करें, छुएं और ब्लेस करें यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए जिन बहनों की संतान नहीं होती, बच्चे नहीं होते, यीशु के नाम में बच्चे की आशीष आ जाए, बच्चे की आशीष आ जाए मेरे परमेश्वर। बंद को के खुल जाए, बंद को के खुल जाए, बंद को के खुल जाए मेरे परमेश्वर। लड़के यहोवा देता है, पिता आपका वचन कहता है, गर्भ का फल परमेश्वर ही देता है यीशु के नाम में। इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये लोग आशीषित हो जाए, ये हील हो जाए, ये फ्री हो जाए, चंगाई रिलीज हो जाए स्वर्ग से, चंगाई रिलीज हो जाए, बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए स्वर्ग से यीशु नासरी के नाम में। ये बदले, इनका घराना बदल जाए, आशीषित हो जाए, फलवंत हो जाए, इनकी खेती बाड़ी फलवंत हो जाए, खेती बाड़ी फलवंत हो जाए मेरे परमेश्वर। जिन कामों में आशीष नहीं मिल रही, जो आशीष गंदी आत्माएं, जो आशीष को चुराती है यीशु के नाम में, ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ गंदी आत्माओं, ऐ बदुरी आत्माओं, छोड़ो 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 छोड़ो, इनके आशीष को और इनकी बॉडी से निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जिन पति पति में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं गंदी आत्माओं को डांटता हूँ, उस लड़ाई झगड़े की गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं जला के भस्म करता हूँ, और मेरे परमेश्वर इनके जीवन से वो लड़ाई झगड़े की गंदी आत्माएं मर जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो अपनी गरीबी में लिप्त हैं, जो जकड़े हैं, यीशु के नाम में इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी चली जाए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे राजाओं के राजा आपके पीछे आए हैं, आपके पीछे आए हैं, अपना क्रूस उठा के आए हैं मेरे परमेश्वर। इनकी तंगी, इनकी परेशानी, इनकी गरीबी चली जाए इनके जीवन से, इनके घर से कंगाली जाए, कंगालीपन की आत्मा, कंगालीपन की गंदी आत्माओं, चलो छोड़ो इनके जीवन को, इनकी आशीषों को छोड़ो और निकाल यीशु मसीह के नाम में। ओ पिता परमेश्वर, मैं उन दूतों का बाड़ा बांधता हूँ, उस जिंदा लहू की जय जयकार करता, उस जिंदा लहू का छिड़काव करता, वो जिंदा लहू का छिड़काव करता यीशु के नाम में। ये रिहा हो जाए, ये हील हो जाए, आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए, जो भाई बहन जॉब की तलाश में है, काम की तलाश में है, इनकी जॉब नहीं लग रही, काम नहीं लग रहा, टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जॉब लग जाए, काम लग जाए मेरे परमेश्वर, ये फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए, ये फल लेकर आने पाए यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर, में प्रार्थना करता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब तू लेटे तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा सुख की नींद आएगी, यीशु के नाम में सुख की नींद के अंदर एंटर हो जाए मेरे परमेश्वर। चैन से सोएं, सकून से सोएं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।